54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का यह पर्व अच्छाई के लिए, एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सब के लिए एक माध्यम है और इस अवसर पर हम सब का प्रयास होना चाहिए। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के लोगों के लिए पूरा सम्मान है। उसके आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के अवसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी विजन के अनुरूप कार्य कर रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गत 7 वर्षों से उसी अयोध्या में, जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में कर्फ्यू, अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ मंदिर राम भक्त होते थे, बल्कि यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का नागरिक भी होता था, उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है। और उस अयोध्या के प्रवेश का दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अभियान है, इसमें हम भी अपने स्तर पर एक प्रयास करें। सभी लोगों की सहभागिता, जन भागीदारी, उसके माध्यम से इन योजनाओं को समय से आगे बढ़ाने और इनके संरक्षण में हम भी अपना योगदान दे सकेंगे। और अतिथि देवो भव के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करने का एक अवसर 22 जनवरी और पूरे जनवरी मास और फरवरी मास में अयोध्या वासियों के सामने आएगा, प्रदेश वासियों के सामने आएगा, उसके लिए हम सब तैयार रह पाएंगे। तो अयोध्या का वैभव और इसकी भव्यता के प्रति दुनिया आकर्षित होगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, सभी राम भक्तों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं दीपावली की अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम से और बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि वह सर्वत्र खुशहाली लाए, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे, यही कामना मैं करता हूँ। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के अब दर्शन करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं पूरे देशवासियों को। और कल जो दीपोत्सव में रिकॉर्ड बना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया।